हाय स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं इसके पहले जो भी वीडियो गया था उसमें कोई दिक्कत चलिए कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा चलिए इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे री इशू ऑफ सेयर री इशू ऑफ फोफिटेड सेयर आपको बताए थे कि फोफिटेड शेयर तीन चीज पर इशू हो सकता है आपको बता चुके हैं प्रीमियम वो भी आपको बता चुके हैं अब देखिए क्या बताने जा रहे हैं फॉर फिटेड एट डिस्काउंट क्या बता रहे हैं फॉर फिटेड एट डिस्काउंट अब डिस्काउंट पर पढ़ाने जा रहे हैं डिस्काउंट तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं ऑफ शेयर आप, आप लोग तो समझ ही रहे हैं मान लेते हैं कि फेस वैल्यू कितना है डिस्काउंट तो आप जान ही रहे मान ले कि कंपनी का फेस वैल्यू कितना है दस रुपया कंपनी का फेस वैल्यू कितने से है दस रुपया कंपनी यदि री ईश्यू कितने पका रही है कंपनी री इशू कितने पका रही है आठ रुपये तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट फेस वैल्यू है दस आ कंपनी री इशू कितना पका रही है आठ रुपया तो डिस्काउंट कितना दिया डिस्काउंट कंपनी कितना दिया दो तो डिस्काउंट तो आप लोग समझ ही गए होंगे कंपनी का फेस वैल्यू है दस लेकिन कंपनी री इश्यू कितना पर दिख किया आठ रुपये पर इसका मतलब है कि कंपनी डिस्काउंट कितना दे दिया दो रुपया कंपनी का दे दिया डिस्काउंट अब आगे देखिएगा टॉपिक आपको बता रहे हैं ध्यान से देखिए बहुत ईजी टॉपिक है और इस टॉपिक से आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही दो नंबर का आएगा इसलिए एक एक करके सारा टॉपिक आप लोग क्लियरली देख लो चलिए देखिएगा कंपनी कैन रीइ फोर फिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट ये तो आपको क्लियर हो गया कंपनी फोर फिटेड शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है आगे देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव लाइन है एक नंबर में आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव विद जाना ये आपको ऑब्जेक्टिव लाइन है वन मार्क्स में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव देखते रहो कंपनी कैन कंपनी कैन मैक्सिमम देखिएगा आगे क्या लिखा है कंपनी कैन गिव देखिएगा कंपनी कैन गिव मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ शेयर्स फोरफिटेड ये लाइन ऑब्जेक्टिव लाइन है आप लोग दट जाना ये बोला है कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है जितना वो कंपनी शेयर को काकी है फोरफिट की है जितना शेयर को काकी है फोर फिट की, की है चलो एक एग्जांपल बताते हैं मान लेते हैं कि कंपनी ने कितना शेयर फोर फिट की है फोर फिट मान ले कि कंपनी चार रुपया कह लिया कंपनी शेयर कितना रुपये फोरफिट कर लिया चार रुपया तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है चार रुपया अधिकतम डिस्काउंट कंपनी क्या दे कितना देगा समझ है ना जितना कंपनी रुपये जब्त किया है मान लेते हैं कि कंपनी आठ रुपया शेयर को फोरफिट कर लिया कंपनी आठ रुपये को क्या कर लिया फोरफिट तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है आठ रुपया मान लेते कि कंपनी फोरफिट कितना किया है दो रुपया तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है दो रुपया सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया मान लेते हैं कि कंपनी फॉरफिट कितना किया एक रुपया तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है एक रुपया ये लाइन आपको समझ में आ गया सारे स्टूडेंट को देखो क्या लिखा हुआ है कंपनी कैन गिव मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है इक्वल टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फिट जितना शेयर फॉर फिटेड है उतना मैक्सिमम कंपनी डिस्काउंट दे सकती है अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन reissue ऑफ शेयर्स विल बी एडजस्टेड विथ शेयर फॉर फीचर अकाउंट आप लोग ये भी ऑब्जेक्टिव लाइन है आप लोग याद रखना ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एक नमे में जो कंपनी डिस्काउंट दिया मान लेते कि कंपनी कितना डिस्काउंट दिया दो तो इस डिस्काउंट वाले रुपए को कंपनी किसके साथ एडजस्टमेंट करेगी फोरफिटेड अमाउंट के साथ ये लाइन समझ में आ गया सारे स्टूडेंट को डिस्काउंट ऑन रीस ऑफ से विल बी एडजस्टेड विथ से फीचर अकाउंट जो कंपनी डिस्काउंट दिया उसको कहाँ से एडजस्टमेंट करेगा से फीचर अकाउंट से सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है ना चलो अब जर्नल बता दें आप लोग जल्दी से स्क्रीन ले लो देखिएगा इस इसका जर्नल एंट्री क्या होगा ध्यान से देखिए बहुत इजी टॉपिक है देखिएगा इसका जर्नल एंट्री क्या होगा इसका जर्नल एंट्री क्या होगा ध्यान से देखते रहिए जब शेयर को रीइ होगा तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट जब कंपनी शेयर को रीइ करेगी तो एंट्री क्या करेगी बैंक अकाउंट डेबिट आपको क्वेश्चन बना के भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट सी एफ फीचर अकाउंट डेबिट से फीचर अकाउंट को किस अमाउंट से डिस्काउंट वाला ये सीएफ और फीचर अकाउंट में क्या डेबिट होगा जितना रुपए का डिस्काउंट होगा वो सीएफ और फीचर अकाउंट में कितने से डेबिट होगा जितना रुपया डिस्काउंट होगा वो टू क्या होगा शेयर कैपिटल अकाउंट टू क्या होगा शेयर कैपिटल अकाउंट देखिए इंट्री लग गया रि इशू का नादेशन क्या लिखेंगे बींगी इशू शेयर बींगी इशू शेयर एट डिस्काउंट ए री इशू का एंट्री लग गया अब आपको बताए हैं अब डिस्काउंट देने के बाद जितना भी शेय फीचर या अकाउंट में रुपया रहेगा हम क्या बोले डिस्काउंट देने के बाद जितना भी शेय और फ्यूचर अकाउंट में रुपया रहेगा शेष रिमेनिंग उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में आप लोग देखिएगा अब लास्ट एंट्री क्या होगा सेफ फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट सेफ फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा कैपिटल रिजर्व टू क्या होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट अब देखिएगा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा फॉरफिटेड अमाउंट माइनस डिस्काउंट इसमें कितना जाएगा समझ में आया मान लेते फोर फिटेड अमाउंट एक हजार है इसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया दो तो सौ यहां पर कितना जाएगा आठ सौ यहां पर भी कितना आठ सौ सबको समझ में आ गया देखिएगा देखिए जो डिस्काउंट वाले दिए हैं उस डिस्काउंट वाले रुपए को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे किस से फॉर फिटेड अमाउंट से ये पॉइंट समझ में आ गया अब इसका नाइदेशन लिख लो बिंग Being, being, remaining forfeited. Being remaining forfeited, amount, amount, transfer to. Being remaining forfeited, amount transfer to. Transfer to capital reserve. समझ में आया देखो मान लेते हैं कि फोर फिटेड अमाउंट कितना है एक हजार इसमें से डिस्काउंट कितना दे दिए दो सौ कितना बच गया आठ सौ तो यहाँ पर आठ सौ होगा यहाँ पर भी आठ सौ रिमेनिंग बच गया आपको पहले बता दिए हैं कि जो डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट वाले रुपए को किससे एडजस्टमेंट किया जाता है सीएफ फॉर फीचर अकाउंट से डिस्काउंट वाले रुपए को किससे एडजस्टमेंट करेंगे फीचर अकाउंट से सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया और डिस्काउंट देने के बाद जितना रुपया बच गया से फीचर अकाउंट में उसको कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में अकाउंट में देख लिए तो टॉपिक आपका क्लियर हो गया अब इसके अगला जो वीडियो जाएगा क्वेश्चन बताएंगे ठीक थैंक यू आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो